और सीएम वसुंधरा राजे ने किया समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव बातचीत। राजस्थान के नेपाल से नेपाल को हर संभव मदद की कोशिश की है। साथ ही सीएम राजे ने साफ तौर पर कहा कि राजस्थान हर संभव मदद करने की कोशिश में जुटा हुआ है। नेपाल में आज रास्ते के चलते राजस्थान से नेपाल के लिए 5 बसें भेजी गई हैं। सीएम राजे ने यह भी कहा विमानों में भी भेजी गई है राहत सामग्री। सीएम राजे हमारे साथ बातचीत करने के मौजूद है राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, नेपाल में जिस तरह की भयानक त्रासदी आई है राजस्थान से भी कई लोगों से, तो राजस्थान सरकार की तरफ से आपने क्या क्या स्टेप सुना है? इतनी भयंकर त्रासदी है और नेपाल के अंदर जो हुआ है, मैं नहीं समझती हूँ उसमें जो भी हो सकता है, शायद प्राइवेट हो या सरकारी हो, सबको जितनी मदद कर सकते हैं करनी चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन कॉज की। राजस्थान की तरफ से हमने 2 टीम्स की हैं, जा रहे हैं 5 लोग एक के साथ जा रहे हैं। एक ग्रुप तो तराई की तरफ चला गया है, वो 5 बसेस लेके गए हैं और हमारी कोशिश ये है कि वो 5 बसेस को वहाँ इस्तेमाल करेंगे। कोई वहाँ अटका हुआ है तो उनको वापस आने का काम करेंगे कि कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत हो, ब्लैंकेट्स की ज़रूरत हो या सूखे खाने की ज़रूरत हो या पीने के पानी की ज़रूरत हो, उन सब चीज़ों को उन्होंने उसके अंदर डाल के और वहाँ भेजा है। ऐसे ही हमने प्लेन्स के अंदर कल रात को ट्रक भेजे थे और वो प्लेन्स के अंदर एयरपोर्ट से सीधे काठमांडू, उसके साथ साथ शिवत पांडे जी और उनकी एक टीम जाएगी काठमांडू बाय टुनाइट्स फ्लाइट एंड दे विल गो एंड वहाँ रुकेंगे। और वहाँ भी हमारे जो लोग भी अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, और कहीं हम लोगों को इन्फॉर्मेशन आती है कि और कहीं पहाड़ों के अंदर या कहीं एयरपोर्ट से फैसिलिटेट करने का काम। मैम, अभी तक कोई रिपोर्ट है कि राजस्थान से कितने लोग अटके फंसे हुए, कितने लोग नहीं? ऐसे तो नहीं है, परंतु हमारे लोग, हमारा मन तो नहीं मान रहा है। हमने कहा कि वहाँ जाके देखेंगे क्यों हमको वहाँ कोई मिल गए, कोई टूरिस्ट के हिसाब से गए हों, कोई ऐसी बात हो, चांस क्यों लेना। अपने लोगों को भेज ही देते हैं, जो भी लोग होंगे वो उनसे कांटेक्ट करेंगे और हेल्पलाइन के नंबर्स जो हैं हमने आपके टेलीविजन के ऊपर डाल दिए हैं। मैम, एक आखिरी सवाल, आज जो बैठक हुई नीति आयोग और वहाँ की बैठक, राजस्थान सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम को लेकर काफी तो आप राजस्थान की मुख्यमंत्री क्या स्टैंड है? अभी स्टैंड का कोई सवाल नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि अभी डिस्कशन चालू हैं, अभी इश्यूज टेबल्स के ऊपर लाए जा रहे हैं, उन इश्यूज के ऊपर बातचीत हो रही है। एक मुझे लगता है एंड ऑफ द मंथ तक 1-2 मीटिंग्स और होंगी और उसके बाद ही रिपोर्ट तैयार होगी, तो अभी तो कुछ कह नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी का बिल्कुल साफ साफ कहना है कि नेपाल की तराजी में राजस्थान उनके साथ खड़ा है। राजस्थान सरकार की पूरी कोशिश है, हर संभव कोशिश है कि नेपाल में फंसे तमाम जो लोग जो राजस्थानी मूल के, उनको किसी भी तरह से निकालकर बाहर लाया जाए। नई दिल्ली से कैमरा सनसनी के साथ संतोष पाठक, समाचार प्रसार।